नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मेरे साथ आज खास मुलाकात में मौजूद हैं मौसम विभाग के निदेशक, उत्तराखंड मौसम विभाग निदेशक। देखते हैं मौसम जो आने वाले मानसून करेंगे, हालात अभी मानसून को लेकर के स्थिति अगर स्पष्ट, पहले ही मौसम विभाग कर चुका है मानसून दस्तक देने वाला है, उस पूरे टॉपिक पर बात करते हैं सर। सर, मौसम की अगर बात की जाए, मानसून नियर है, आने वाला है, क्या मौसम विभाग की क्या तैयारियाँ हैं, कब तक मानसून का? बिल्कुल, मानसून जो है प्रोग्रेस करता रहा, ठीक था, टाइम से ही चल रहा था और ईस्ट यूपी तक तो आप कह सकते हैं कि करीब वो 16 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हाँ 3-4 दिन वहाँ थोड़ा स्टक हुआ है, लेकिन आगे बोला गया था, परसों ही बोल दिया था कि करीब 23 को यहाँ पहुंचने की उसकी संभावना है, तो मैं समझता हूँ कल जो है, खासकर जो हमारा कुमाऊँ रीजन है उत्तराखंड के, तो वहाँ पे ये कल जो है दस्तक दे देना चाहिए। ठीक है, मानसून का अराइवल के लिए कल के लिए बोला गया है कि कुछ पार्ट्स में कम से कम जो है मानसून कल पहुँचना चाहिए। सर, उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए, आपदा आए दिन यहाँ जब कभी मानसून जब आता है बरसात के मौसम में आपदा देखने को मिल जाती, क्या मौसम विभाग राज्य सरकार को, राज्य सरकार से मिलकर के बात हो गई है आने वाले वक्त में जो स्नो हैवी जो रेन होने वाली है उसके बारे में? बिल्कुल, इसके लिए जो है जो राज्य सरकार को हमेशा जो मेन, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोग तैयार करते हैं बुलेटिन्स या जो भी वार्निंग्स होती है, तो आपदा प्रबंधन विभाग को सबसे पहले जाती है, जो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग है, और वो उस चीज़ को देखते हुए फिर अपना एहतियात जो है, जो अपने जो लोग उनके उसमें लगे हुए हैं उनको अलर्ट करना कि कैसे जो आपको रेस्पॉन्ड करना, तो वो सब चीज़ एक्सरसाइज होती रहती है, बिल्कुल होती है, तो वो सूचना जो है बिल्कुल दी जाती है। और मानसून में यहाँ अच्छी रेन होती है, उसकी वजह से बिल्कुल दिक्कत होती है, चाहे रोड्स ब्लॉक्स होती हैं या कहीं पे जो ज़्यादा बारिश होने से जो है भूस्खलन होता है, या इसी तरह जो कटाव हो जाता कहीं पे, तो जो कुछ आप कह रहे हाउसेस वगैरह को भी डैमेज होता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल मानसून सीजन में देखने को मिलती है। और जब भी ऐसी हैवी रेन्स की संभावना बनती है, तो उसके लिए जो वार्निंग है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज़्यादा संभावना है, तो उस तरह की चीज़ों सारी वो दी जाती है, तो बिल्कुल ये चीज़ है। और इस बार जो मानसून है जो दिया गया है, उसमें ये बोला गया कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है आपका, यहाँ पे अबव नॉर्मल रहने वाला है वो, तो उत्तराखंड में ऐसी भी अच्छी बारिश होती है और जब फोरकास्ट भी इस तरह का है, तो मैं समझता हूँ अबव नॉर्मल ये मानसून इस बार रहेगा, तो ज़्यादा बारिश मिलनी चाहिए हमको जो है, जो नॉर्मल से हायर साइड में ही मिलेगी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें तो बिल्कुल आती है। सर, एक ऐसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ है कोरोना की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है वेदर पे कितना, जो पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है, बहुत ट्रैफिक नहीं था, तो वेदर पर कितना इसका प्रभाव पड़ा है इस 3 महीनों में? बिल्कुल, देखिए मार्च के लास्ट सप्ताह से शुरू हुआ था ये जो लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, तो जो पॉल्यूशन की जहाँ तक बात है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि उसमें कमी आई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।